स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सभी भलीभांति से कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर लग रहे होंगे। आप सबका हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप अपने पढ़ाई में जुटे होंगे और अपनी मेहनत को सही धार दे रहे होंगे। हम संवाद सेतु के टॉपिक की तरफ अग्रसर हैं और धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले हम संवाद सेतु में जो चार हमारी यूनिट थी विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, उस पत्रकारिता में हमने आपको बता दिया था विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और फिल्म पत्रकारिता की बात चल रही थी। इस फिल्म पत्रकारिता में हम ये बता चुके थे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में होता था। फिल्मों का ज़्यादा इतिहास में ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, तो फिल्म पत्रकारिता का इतिहास भी ज़्यादा पुराना नहीं था। आज़ादी में ज़्यादा योगदान दे नहीं पा रही थी क्योंकि विदेशी सेंसर बोर्ड था। उस समय फिल्मों के नाम महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू तक रखना अपराध था। फिल्मों में चित्र नहीं दिखा सकते इनमें, तो जब प्रत्यक्ष रूप से फिल्मों की बात करना तो कैसे संभव हो सकता था। पुराने ज़माने में लोग इन्हें ये दृष्टि से भी देखते थे। तो इतिहास की जब बात करें तो 1931 में बम्बई में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल कंपनी ने एक फिल्म बनाई, आलम आरा। ये पहली सबाक फिल्म थी। आलम आरा में फिल्म बनाई तो इतिहास रच दिया। अब सिनेमा के गूंगे कलाकार बोलने लग गए थे क्योंकि अभी सबाक फिल्म थी, उससे पहले अवाक फिल्म आती थी। इस फिल्म का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ और लोगों में इस फिल्म के प्रति उत्सुकता पैदा हो गई, सबको चौंका दिया गया। परिणाम स्वरूप 1932 में नई दिल्ली से एक फिल्म पत्रिका प्रकाशित हुई और उस फिल्म पत्रिका का नाम था रंग भूमि, जिसके लेखक श्री लेखराम थे। एक साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती जिसका मूल्य 2 पैसे था। ये प्रथम फिल्मी पत्रिका मानी जाती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र तिवाड़ी ने 1932 में नई दिल्ली से एक फिल्म पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था नवचित्रपट। आचार्य रामचंद्र तिवाड़ी ने 1932 में नव चित्रपट जो नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी उसको पहली फिल्म पत्रिका माना था। इतना हम पढ़ा चुके थे। अब कुछ फिल्मों के अपन नाम लिख रहे हैं, वो देखेंगे और इस फिल्म पत्रकारिता को आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वाणिज्यिक पत्रकारिता आएगी, अपराध पत्रकारिता, जो छोटी छोटी चीज़ें वो सारे टॉपिक धीरे धीरे अपन पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। देखें अमर ज्योति, पड़ोसी, जी मैं उन फिल्मों के नाम बता रहा हूँ, अमर ज्योति, पड़ोसी, जमींदार, अपना घर, सिकंदर, अपना घर, सिकंदर, नया तराना, ये फिल्मों के नाम है, आदि बे फिल्में थी। आदि बे फिल्में थी जिन्होंने दर्शकों के दिल में देश के प्रति प्रेम जागृत किया, देश के प्रति प्रेम जागृत किया। स्वतंत्रता से पूर्व जब देश आज़ाद नहीं हो, उससे पहले फिल्मों के बारे में कोई बात है, अखबार छापता ही नहीं था। स्वतंत्रता से पूर्व कुछ अंग्रेजी अखबार, स्वतंत्रता से पूर्व कुछ अंग्रेजी अखबार
थोड़ी बहुत फिल्म सामग्री देते थे। यानी अगर कोई बहुत थोड़ी बहुत सामग्री मिल भी जाती थी तो वो इंग्लिश अखबारों में मिलती थी, हिंदी के अखबारों में तो कोई देता ही नहीं था। कोई एक आध अखबार था हिंदी में, विश्वमित्र को छोड़कर नहीं किसी अखबार में हिंदी में। अखबार का नाम हिंदी में विश्वमित्र को छोड़कर अन्य किसी अखबार में फिल्मों से संबंधित सामग्री नगण्य थी। फिल्म सामग्री नगण्य थी। नवबारस टाइम्स ने, अखबार का नाम है नव भारत, फेमस अखबार है भारत का, नवबारस टाइम्स ने अपने प्रकाशन आरंभ के साथ ही अपने प्रकाशन आरंभ के साथ ही फिल्मी स्तंभ देना प्रारंभ कर दिया था। फिल्मी स्तंभ देना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद दैनिक हिंदुस्तान ने, ये भी एक अखबार का नाम, फेमस अखबार है, इसके बाद दैनिक हिंदुस्तान ने सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार फिल्मी पृष्ठ देना प्रारंभ कर दिया था। फिल्मी पत्रकारों के कई संगठन हैं। फिल्मी पत्रकारों के कई संगठन हैं, लेकिन सबसे पुराना संगठन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, इसे आपको बहुत ध्यान से याद करना है, लेकिन सबसे पुराना संगठन है, वो नाम याद रखना है आपको, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। सबसे पुराना संगठन है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। ये फिल्म पत्रकारों के संगठन जिनमें सबसे पुराना और
सबसे पुराना संगठन है बंगाल फिल्म एसोसिएशन संगठन, अनेक संगठन हैं। अमर ज्योति, पड़ोसी जिम्मेदार, अपना घर सिकंदर, नया तराना आदि भी फिल्में थी जिन्होंने दर्शकों के दिल में देश के प्रति प्रेम जागृत किया। कुछ स्वतंत्रता से पहले कुछ अंग्रेजी अखबार में ही फिल्मी सामग्री आती थी, हिंदी में तो केवल एक विश्वमित्र अखबार था, जिसके अलावा और कोई भी अखबार ऐसे थे जिनमें फिल्मी सामग्री नगण्य थी। सबसे पहले नवभारत टाइम्स ने अपने प्रकाशन का जैसे ही आरंभ किया तो उसमें फिल्मी स्तंभ देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद हिंदुस्तान ने अखबार ने सप्ताह में एक बार फिल्मों से संबंधित सामग्री देना आरंभ कर दिया। और फिल्म पत्रकारों के काफ़ी संगठन हैं, जिसमें सबसे पुराना संगठन है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, अंडरलाइन करें और इसे उतारें, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखें जागरूक फिल्म पत्रकार के गुण। अब इसके हम गुण देखते हैं दोस्तों, एक जागरूक जो फिल्म पत्रकार होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं नंबर एक पॉइंट, इन पॉइंटों को हमें याद रखना है सब। तो एक जागरूक फिल्म पत्रकार को कि जो फिल्म पत्रकार होता है ना उसे फिल्मों के इतिहास के साथ, कोई जरूरी नहीं कि वो सिर्फ फिल्मों ही फिल्मों का इतिहास होना चाहिए, कि फिल्में जो बनते हैं वो किस किस टाइप की बनती हैं, फिल्मों के इतिहास के साथ साथ, इतिहास के साथ साथ साहित्य की लिटरेचर, साहित्य की, संगीत की, साहित्य की और संगीत की और चित्रकारी, साहित्य की, चित्रकारी आदि की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए, आदि की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, एक तो जो पत्रकार होता है ना उसे फिल्मों का इतिहास तो पता रहना चाहिए, साथ साथ साहित्य क्या है उसका इतिहास, संगीत क्या है उसका इतिहास, चित्रकारी क्या है कैसे, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनका सबका काम किस में पड़ता है, फिल्मों में पड़ता है। तो देखो दूसरा, फिल्मों का निर्माण किस प्रकार होता है, फिल्मों का निर्माण किस प्रकार होता है, इस बात की जानकारी फिल्म पत्रकार को होनी चाहिए,
इस बात की जानकारी फिल्म पत्रकार को होनी चाहिए। ठीक। तीसरा, कथा और पटकथा। पर्दे में दिखाई जाने वाली कथा, पटकथा और जो कथा सुनाई जाती है, कथा और पटकथा के बारे में कथा और पटकथा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और चौथा है, देखो दो प्रकार की शूटिंग होती है, एक तो इनडोर इनमिस अंदर, डोर मिस दरवाजा, आउटडोर आउट मिस बाहर। एक तो अपन शूटिंग करते हैं जिसे सब लोग देखते हैं, और एक बंद कमरे में भी शूटिंग्स होती हैं जो हम केवल पिक्चर जब स्टार्ट हो जाती है तभी देख पाते हैं। आउटडोर कुछ सीन्स होते हैं जिन्हों इनडोर रूम में दर्शाए जाते हैं, आउटडोर और इनडोर, आउटडोर और इनडोर शूटिंग की जानकारी होनी चाहिए। आउटडोर और इनडोर शूटिंग की जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी कि जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्मों के इतिहास के साथ साथ साहित्य की, संगीत की और चित्रकार आदि की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कि फिल्मों का निर्माण किस प्रकार होता है, इस प्रकार की जानकारी भी होनी चाहिए। कथा और पटकथा क्या है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और दोनों प्रकार की शूटिंग आउटडोर और इनडोर क्या है आदि के बारे में भी एक फिल्म पत्रकार को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और एक लाइन और लिख देते हैं अपन, तुलना जो करते हैं विदेशी की तुलना करें और इंडिया की, दोनों की जब हम तुलना करते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से तुलनात्मक दृष्टि से भारत की फिल्म पत्रिकाओं को भारत की फिल्म पत्रिकाओं को श्रेष्ठतम फिल्म पत्रकारिता श्रेष्ठतम फिल्म पत्रकार पत्रिका के समकक्ष रखा जा सकता है, इतना उच्चतम स्तर है। हाँ, इसे उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हो गया सब कि जितनी भी हमारी विदेशी या इंडिया की और किसी की पत्रकारिता, पूरे संसार की जब पत्रकारिताओं की तुलना करें भारत की पत्रिकाओं से, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसार की जितनी भी श्रेष्ठ फिल्म पत्रिकाएं हैं उनके समकक्ष हमारे इंडिया की फिल्म पत्रिकाओं को रखा जा सकता है, इतनी लेवल हमारी इंडिया की पत्रिकाओं का है, फिल्म पत्रिकाओं का। इसमें हमने अब तक
विज्ञान पत्रकारिता के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं। विज्ञान पत्रकारिता क्या है, विज्ञान से संबंधित जितने भी आविष्कार, खोज फलों में और जो भी कीड़े या उपायों का जिनका प्रयोग किया जाता है, नित नई जो खोजें आदि से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आई थी। उसके बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि भाषा शैली क्लिष्ट होती है, इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग विज्ञान पत्रकारिता में करना चाहिए, समग्र रूप का होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे थे खेल पत्रकारिता के बारे में, खेलों से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो सब खेल पत्रकारिता की कैटेगरी में आती है। प्रथम एशियाई खेल हुए थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था खेलों को खेलों की भावना से खेलो। और उसके बाद हमने खेल पत्रकारिता के गुण पढ़े थे, और उसके बाद हमने फिल्म पत्रकारिता पढ़ी थी। कहा था फिल्मों के निर्माण से लेकर इसके दर्शनोपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित जो पत्रकारिता है उसे हम फिल्म पत्रकारिता कहते हैं, उसे अपन फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद कहा था, मैं इसका फिर भी इतिहास आपको दोबारा से समझा देता हूँ। 1931 में बम्बई की इंपीरियल कंपनी ने फिल्म आलम आरा का निर्माण करके सबको चौंका दिया। सिनेमा के गूंगे कलाकार अब बोलने लग गए थे। इस फिल्म का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ, लोगों में इस फिल्म के प्रति उत्सुकता पैदा हुई। परिणाम स्वरूप नई दिल्ली में एक फिल्मी पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम 1932 में जिसका नाम था रंगभूमि। साहित्यकारों ने इस फिल्म पत्रिका को पहली फिल्मी पत्रिका माना, और इस फिल्म पत्रिका के लेखक आचार्य श्री लेखराम थे। इस फिल्म का मूल 2 पैसे था और ये साप्ताहिक थी, लेकिन किसी न किसी को विरोध करना होता है तो आचार्य रामचंद्र तिवारी ने कहा नहीं, ये फिल्म पत्रकारिता नहीं हो सकती। तब इन्होंने कहा कि 1932 में प्रकाशित एक फिल्म पत्रिका थी जिसका नाम था नव चित्रपट, तो आचार्य रामचंद्र त्रिपाठी ने नव चित्रपट को पहली फिल्म पत्रिका माना था। उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो फिल्म वालों को और फिल्म करने वालों को हेय दृष्टि से देखता था। आज़ादी के निर्माण में कोई योगदान दे नहीं पाई थी, क्योंकि उस समय विदेशी सेंसर बोर्ड था। तो विदेशी जब सेंसर बोर्ड था तो उस समय फिल्मों के नाम महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक रखना अपराध था। हम हमारी फिल्मों में उनके चित्र नहीं दिखा सकते थे। ऐसे में फिल्मों के बारे में बात करना तो अपन कैसे वाजिब बना सकते हैं उस। लेकिन फिर भी कुछ फिल्में ऐसी थीं, अमर ज्योति, पड़ोसी, जमींदार, सिकंदर, नया तराना आदि भी फिल्में थी जिन्होंने देश के प्रति, नवयुवकों में देश के प्रति प्यार जागृत किया। उसके बाद हमने पढ़ा था जागरूक फिल्म पत्रकार के गुण, फिल्में क्या होती, किस प्रकार निर्माण होती इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कथा पटकथा आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आउटडोर इनडोर दो प्रकार की जो शूटिंग्स होती हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक फिल्म के इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकार आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अपन जब विश्व के पत्रिकाओं की, फिल्मी पत्रिकाओं की तुलना करें तो हम यह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि आज संसार की अगर श्रेष्ठतम फिल्मी पत्रिकाओं की बात करें तो भारत की फिल्मी पत्रिकाओं को श्रेष्ठतम फिल्म पत्रिकाओं के समकक्ष रखा जा सकता है। दोस्तों, ये टॉपिक आज हमने फिल्म पत्रिकाओं का समाप्त किया। अगले दिन जब हम आपसे रूबरू होंगे तब बहुत ही लॉजिक और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आपके समक्ष रखा जाएगा, वाणिज्यिक पत्रकारिता और अपराध पत्रकारिता, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास शीघ्रता अशीघ्र नोटिफिकेशन भेजा जा सके। तब तक के लिए अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए आज्ञा, हम सब आपसे लेते हैं विदा। नमस्ते।